हम लोगों ने टोल फ्री नंबर आदरणीय सनोपमाला मुकेश सैनी जी के निर्देश से टोल फ्री नंबर हम लोगों ने एक जारी किया है, जिसको किसी को समस्या है एविडेंस के साथ वहां करे, हमारी पार्टी जो है जितने भी सहायता की जरूरत है वो करेगी। हम लोगों ने एक टीम भी हम लोगों ने तमिलनाडु भेजा है, कल फ्लाइट से आज सुबह 6 बजे पहुंचे हैं, वहां से भी हम लोग का एक रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। सच्चाई क्या है, निकटतम थाना में जाके आप अपना शिकायत दर्ज कराइए, अगर शिकायत दर्ज नहीं करता है तो उसका वीडियो बना के भेजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में तमिलनाडु की घटना को लेकर लगातार सियासी बवाल जो है बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहार के जितने भी मजदूर हैं उनके साथ मारपीट सहित हत्या की घटनाएं सामने होने की बात आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार से ये मांग कर रही है कि जो भी वहां आरोपी हैं उस पर कार्रवाई हो और तमिलनाडु की सरकार को इस बात को लेकर कहा जाए। हालांकि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है कि नहीं है ये जांच का विषय है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार सरकार सोशल मीडिया के जो तहत जो वीडियो आए हैं, तस्वीरें आए हैं, उसको मानते हुए, उसको देखते हुए एक जांच टीम को तमिलनाडु रवाना कर दी है। जो जांच टीम तमिलनाडु में अधिकारियों के साथ वहां बैठक भी कर रही है और जांच भी कर रही है, जांच और बैठक करने के बाद क्या कुछ वहां घटना हुआ है, क्या कुछ वहां से सच्चिया बातें जांच की बात निकल कर आएगी, उसको बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। लेकिन इसी बीच राजनीतिक दल अब मजदूरों को मदद करने के लिए भी सामने आ गए। मुकेश सहनी की पार्टी VIP वो मजदूरों को मदद करने के लिए सामने आई है और उनके पार्टी के जो VIP पार्टी के जो प्रवक्ता हैं देवज्योति, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर कोई मजदूरों को परेशानी है तो वो स्थानीय थाना में जाएं और सनहा दर्ज कराएं और अपनी रिपोर्ट लिखाएं। साथ ही अगर उनको किसी भी तरह का कोई और ज़्यादा परेशानी हो तो वीडियो बनाकर उन्हें भेजें। इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है पार्टी की तरफ से, जिसपे मजदूर जो है वहाँ परेशान मजदूर वो बात कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जिसमें से हजारों की संख्या में वहाँ के किसान मजदूर जितने भी हमारे बिहार के भाई बहन हैं सारे लोग जो है वहाँ फोन कर रहे हैं। कुछ अफवाह भी है और कुछ जो है सच्चाई भी है, तो उसके लिए हम सारे लोगों को निवेदन करेंगे कि अगर आपके ऊपर में कोई जुल्म हो रहा है, अगर आप पे कोई अत्याचार कर रहा है, तो आप निकटतम थाना में एक सनहा दर्ज कीजिए और उसका वीडियो बनाइए, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस वहां की तो उस पे तुरंत हम संज्ञान दीजिए। हमारी अभी DG हैं बिहार के ही हैं, उनसे हमारी टेलीफोन पे बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि अफवाह है लेकिन कुछ जगह सच्चाई है। अगर आप एविडेंस के साथ थाना में जाते हैं तो थाना वहां केस करेगा, वहां पे थाना में केस करने में दिक्कत नहीं है। और बाकी हम लोगों ने टोल फ्री नंबर आदरणीय सनोपमाला मुकेश सैनी जी के निर्देश से टोल फ्री नंबर हम लोगों ने एक जारी किया है, जिसको किसी को समस्या है एविडेंस के साथ वहां करे, हमारी पार्टी जो है जितने भी सहायता की जरूरत है वो करेगी। हम लोगों ने एक टीम भी हम लोगों ने तमिलनाडु भेजा है, कल फ्लाइट से आज सुबह 6 बजे पहुंचे हैं, वहां से भी हम लोग का एक रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगा। सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है और क्या है, आप फिर से मैं कह रहा हूं, निकटतम थाना में जाके आप अपना शिकायत दर्ज कराइए, अगर शिकायत दर्ज नहीं करता है तो उसका वीडियो बना के भेजिए। तो VIP पार्टी ने जो नंबर जारी किया है मजदूरों को मदद के लिए, वो स्क्रीन पे आप देखिए कि वो नंबर जारी किया गया, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और बात करने के बाद VIP पार्टी के द्वारा आपको हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही जा रही है। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर कोई मजदूर कहीं फंसे हुए हैं तो जरूर इस नंबर पर बात करें और बात करके अपनी मदद को प्राप्त करें। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।